सावरकर जयंती पर संसद भवन का उद्घाटन कर क्या साबित करना चाहते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संसद का उद्घाटन क्यों नहीं करवाना चाहते पीएम मोदी। भारत की नई संसद पर क्यों मचा है हंगामा। भारत की नई संसद बनकर तैयार है, लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी संग्राम भी जारी है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दलों ने कहा है कि वे संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक बहिष्कार करेंगे, क्योंकि सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही निकाल दिया गया है। उन्होंने एक संयुक्त बयान में यह आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन समारोह से दरकिनार करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन करने का फैसला लोकतंत्र पर सीधा हमला है। दरअसल विपक्ष इस बात से नाराज है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि उनकी मांग है कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर प्रधानमंत्री के इस कदम का विरोध किया है। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इसको इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं, और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माफी वीर सावरकर की भी जयंती है। खुले मंच पर भारतीय जनता पार्टी माफी वीर सावरकर को महापुरुष के रूप में पेश करती है, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी की ये बात रास नहीं आती। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि 28 मई के दिन वीर सावरकर की जयंती है, इस दिन संसद भवन का उद्घाटन करना देश के निर्माताओं का अपमान करना है। कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथिगल काची, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम, आरजेडी, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एमडीएमके समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को 19 विपक्षी दलों के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और उनसे अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। जोशी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, बहिष्कार करना और गैर मुद्दे को मुद्दा बनाना सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे इस फैसले पर पुनर्विचार करने और समारोह में शामिल होने की अपील करता हूं। जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के संरक्षक हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं विपक्षी दलों का तर्क है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति न केवल राष्ट्राध्यक्ष होते हैं बल्कि वो संसद का अभिन्न हिस्सा भी होते हैं, क्योंकि वही संसद के सत्र को पूर्ण कराते हैं, उसका अवसान करते हैं और साल के पहले सत्र के दौरान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करते हैं। लेकिन शायद पीएम मोदी नए संसद भवन पर अपने नाम की तख्ती ही देखना चाहते हैं। एक तरफ वो नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और दूसरी तरफ वो माफी वीर सावरकर के सामने नतमस्तक होंगे। इसे लोकतंत्र का दुर्भाग्य ना कहा जाए तो भला क्या कहा जाए। क्या पीएम मोदी ने सावरकर की जयंती का दिन इसलिए चुना है कि वो उनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर आगे बढ़ने वाले हैं? ऐसे कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमें सपोर्ट भी जरूर करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 0235 887 00006 40।
आईएफएससी कोड है SB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।